हेलो बच्चों, तो ऑलरेडी हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो एक्चुअल रिफ्रैक्शन के बारे में हमने नहीं पढ़ा। हमने बस हमारे नाइन्थ के कंसेप्ट को थोड़ा रिवाइज किया। तो चलिए आगे हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं वो आ गया। इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट खुद एक टॉपिक है, फिर हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर हम जानेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एंड देन हम जानेंगे कुछ फिनोमेना जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये कुल चैप्टर चार छोटे छोटे टॉपिक्स से हैं, ये रिलेटेड हैं। थियोरेटिकल चैप्टर है, सम्स जो है वो बहुत ही सिंपल सम है। तो कुल मिला के अगर आपने पहले वीडियो में देखा रहेगा जिसमें मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया चैप्टर से, तो बेसिकली ये चैप्टर का पार्ट नहीं है वो, लेकिन जैसे ही आप ये चैप्टर को स्टडी करने जाओगे, ओपन करने जाओगे, तो इसीलिए मैंने ओपनिंग लेक्चर में उन दोनों टॉपिक को रख दिया। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। क्योंकि जैसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को टेंथ में ओपन करते हैं, तो सबसे पहले जो सवाल हमारे सामने आएगा वो आएगा कि कैन यू रिकॉल, क्या आपको कुछ याद आ रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, व्हाट इज मेंट बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा सवाल कि व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो व्हाट इज मेंट बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वी हैव टू रिकॉल दैट, एंड व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसे ही ये आप ये सवाल जैसे ही मैं आपसे पूछता हूँ, तो आपने क्योंकि पहला वीडियो देखा है, तो ये आप इस क्वेश्चन के लिए एकदम तैयार हो, एकदम रेडी हो। तो बच्चों आओ हम लोग आगे, ये पूरे चैप्टर को हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि एट द एंड आप लोग टेक्स्ट बुक को रेफ़र करते हो, और जो उसके वर्ड्स हैं, अगर उसके वर्ड्स आपको समझ में नहीं आते तो आपको ये लगता है कि ये टॉपिक हमारा रेडी नहीं हुआ है। तो हम बेसिकली पूरे टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाएंगे। टेक्स्ट बुक में जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जो छोटे छोटे शब्द हैं, उन सबके मीनिंग्स को कवर करेंगे, उस सबका मतलब क्या होता है कवर करेंगे। तो आप भी घर पे अगर अपने टेक्स्ट बुक के साथ रेडी हो तो तैयार रहिए, वहाँ पर मीनिंग लिखिए, और जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है उसे मार्क करके रखिए ताकि आप बाद में उसे रिवाइज बार बार कर सकें। सो इन द चैप्टर इट सेज वी हैव सीन दैट जनरली लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। बराबर, लाइट जो है वो एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ये इन जनरल हमें पता है। बिकॉज ऑफ दिस, इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट लाइज इन द पाथ, अ शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। और इसी की वजह से अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, बराबर, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे ये मेरा हैंड है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो आप उसका शैडो नीचे देख सकते हो, थोड़ा लाइट है लेकिन शैडो यू कैन सी। तो कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट अगर लाइट के पाथ में, लाइट के रास्ते में आ जाए, तो ओपेक ऑब्जेक्ट का क्या बन जाता है, शैडो बन जाता है। अब ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? तो ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब आप ये रख सकते हो, वो ऑब्जेक्ट है जिनके थ्रू से लाइट पास नहीं हो सकता। बराबर, जो अपने वो बॉडी के थ्रू से लाइट पास नहीं हो पाएगा, ऐसे बॉडी को हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। बराबर, वो बॉडी लाइट को अपने अपने बॉडी से पास होने नहीं देगा, अपने आप से पास होने नहीं देगा, वो होता है क्या, ओपेक ऑब्जेक्ट। और ऐसा कोई भी अगर ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में आ जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, शैडो बनता है। बराबर, हमारा भी शैडो बनता है, परछाई हमारी बनती है, तो वैसे ही शैडो बनता है, परछाई बनती है। ठीक है, तो हम भी एक ओपेक बॉडी है। ओके, वी हैव ऑल्सो सीन इन द प्रीवियस क्लासेस हाउ दीज शैडो चेंजेस ड्यू टू चेंज इन रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जेक्ट। अब पहले की क्लासेस में हम फिफ्थ टू हम नाइन्थ की बात कर लें, तो यहाँ पर हमने ये भी जाना है कि जैसे जैसे पोजिशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट बदलेगा। बराबर बच्चों, जैसे सूरज है, सन है, अब सन का पोजिशन चेंज होते रहता है, तो हमारा जो शैडो का पोजिशन है ना, वो जो हमारा बॉडी शैडो बनाएगा, उसका पोजिशन भी चेंज होते रहता है। तो सोर्स ऑफ लाइट, सन यहाँ पर क्या हो गया, सोर्स ऑफ लाइट हो गया। तो या तो सोर्स ऑफ लाइट का पोजिशन चेंज हो, अगर उसका पोजिशन चेंज होगा तो किसका पोजिशन चेंज होगा, हमारे शैडो का चेंज होगा, या हमने अपना पोजिशन चेंज किया तो क्या चेंज होगा, हमारे शैडो का पोजिशन भी चेंज होगा। तो या तो ऑब्जेक्ट अपना पोजिशन चेंज करे, या सोर्स ऑफ लाइट अपना पोजिशन चेंज करे, या दोनों ही अपना पोजिशन चेंज करें, तो इसके वजह से क्या होगा, शैडो के पोजिशन में भी चेंज आएगा। शैडो जो है, जो परछाई है,
जो उसका पोजिशन है उसमें भी क्या आएगा, बदलाव आएगा, चेंजेस आएंगे. बट लाइट कैन बेंड अंडर सम स्पेशल सर्कमटेंसेस एज वी विल सी बिलो. पर कुछ स्पेशल जो केसेस होते हैं उसमें लाइट बेंड हो सकता है, बराबर, या फिर जो ट्रांसपेरेंट बॉडी है उस बॉडी से लाइट पास हो सकता है, बराबर. इसी के ऊपर हमारा चैप्टर है पूरा, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बराबर. ट्रांसपेरेंट बॉडी मैंने बोल दिया, तो ओपेक बॉडी आपने पढ़ा, तो ओपेक का ऑपोजिट है ट्रांसपेरेंट, या ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट है ओपेक. तो ओपेक बॉडी लाइट को अपने आप से पास होने नहीं दे रहा था, ट्रांसपेरेंट बॉडी बॉडी लाइट को अपने आप से पास होने देगा, ठीक है. तो जब लाइट ट्रांसपेरेंट बॉडी से पास हो जाता है तब कौन आता है, तब आता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों. ओके, तो यहाँ पर बच्चों आपको कुछ एक्टिविटी दी गई हुई है, मैं एक्टिविटी को थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूँ. कह रहा है कि भाई टेक एक्टिविटी वन में, टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड फिल इट विथ वाटर, डिप सम पोर्शन ऑफ पेंसिल वर्टिकली. तो हमको क्या करना है, एक कुछ भी ट्रांसपेरेंट वेसल लेना है, ग्लास का वेसल लेना है, उसके अंदर एक पेंसिल डालना है, ठीक है, और उसके बाद पानी डालना है, और बाहर से हमको उस पेंसिल को ऑब्जर्व करना है, ठीक है. तो इसमें क्या होगा ना, पेंसिल थोड़ा ब्रोकन नज़र आएगा, पेंसिल ऐसा लगेगा बेंडेड है. ये फिनोमेना आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप ये घर पे कर लो, बराबर. एक पानी का ग्लास लो, पानी के ग्लास में पानी लो, उसमें एक पेंसिल डाल दो और ग्लास के साइड से ना पेंसिल को ऑब्जर्व करो. ऐसा लगेगा कि जहाँ पर पानी और हवा का इंटरफेस मिलता है ना, वहाँ पर पेंसिल आपको टूटा हुआ लगेगा, ब्रोकन लगेगा. अब ये क्यों होता है, इसका रीज़न मैं आपको डायग्राम बना के बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा बाद में. और एक्टिविटी टू में ये भी एक्टिविटी जो है बड़ा सिंपल एक्टिविटी है. इसमें क्या है, आपके एक आप और एक आपका फ्रेंड चाहिए, ठीक है, तो दो लोग चाहिए. अब अपने फ्रेंड को बोलो कि भाई तू काम कर, एक ग्लास में, अभी ये टाइम आप कांच का ग्लास मत लो, आप कोई और ग्लास ले लो, ठीक है, कोई और कलर का ग्लास ले लो, और अपने फ्रेंड को कहो, या फिर कलरफुल ग्लास ले लो, और फ्रेंड को कहो कि भाई इसमें तू, या एक वेसल ले लो कि इसमें तू एक 5 रुपीज़ का कॉइन प्लेस कर दे. तो जैसे ही वो 5 रुपीज़ का कॉइन इसमें प्लेस करेगा, आप ये काम करो, ऐसे पोजिशन पर चले जाओ जहाँ से आप आराम से उस ऊपर से, फ्रॉम द टॉप, आप आराम से टॉप से देख सकते हो उस कॉइन को. अगर कॉइन दिख रहा है तो आप काम करो, थोड़ा पीछे चले जाओ. अब उस पोजीशन से देखो कि ऊपर से आपको कॉइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. तो अगर दिख रहा है तो थोड़ा और पीछे चले जाओ, और यहाँ तक चले जाओ जहाँ से वो कॉइन जस्ट नहीं दिखता आपको, उस पोजीशन से. और जिस पोजीशन से जस्ट अगर आपने थोड़ा भी आगे किया तो आपको कॉइन दिख रहा है, और थोड़ा भी सर पीछे किया तो कॉइन नहीं दिख रहा है. तो उस पोजीशन पर आप खड़े हो जाओ और एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाओ. अब फ्रेंड को बोलो भाई तो उसमें पानी डाल. तो जैसे ही फ्रेंड उस वेसल में पानी डालेगा, जिस पोजीशन से आप अब कॉइन को नहीं देख पा रहे थे, उस पोजीशन से अब आप कॉइन को देख पाओगे, ठीक है. अब ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा पीछे चले गए तो देख लोगे, ऐसा नहीं होगा. मैंने क्या कहा कि जस्ट थोड़ा थोड़ा पीछे जाओ और देखो कि कहाँ से तुम कॉइन को नहीं देख पा रहे हो, तो उस पोजीशन पर खड़े हो जाओ, तो उतना कवरअप वो कॉइन को कर लेगा, ठीक है. तो इसके पीछे भी रिफ्रैक्शन का हाथ है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का रीज़न है, उसका कारण है. तो ये भी हम डायग्राम बना के समझेंगे, ठीक है. फिलहाल हम रिफ्रैक्शन को अब स्टडी कर ही लेते हैं. तो लेट अस गो एंड सी व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ऑलराइट, सो नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है बच्चों. तो टेक्स्ट बुक जो है ना अपना, उस टेक्स्ट बुक में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पहले इंट्रोड्यूस किया है, उसका डेफिनेशन इंट्रोड्यूस किया है, और फिर कहीं पर भी नहीं बताया है कि रिफ्रैक्शन का रीज़न क्या है, बताया नहीं है. लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊँगा और आप जब पढ़ोगे तो सबसे पहले दिमाग में आपको तो आएगा ना कि सर रिफ्रैक्शन का रीज़न क्या है. इसलिए मैं थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड आपको आउट ऑफ द बुक जाके भी कर रहा हूँ, क्योंकि वो जानना ज़रूरी है कि कारण क्या है, रीज़न क्या है. और फिर जैसे ही हम बुक में आ जाएंगे, टॉपिक में आ जाएंगे, वैसे ये है, ये भी बुक का टॉपिक है, लेकिन ये बाद में दिया है. लेकिन इसकी ज़रूरत बाद में नहीं है, इसकी ज़रूरत अभी है जब हम रिफ्रैक्शन को पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो थोड़ा सा रीशफल कर सकते हैं हम लोग टेक्स्ट बुक को. तो कुछ टॉपिक को मैं पहले ले रहा हूँ जिसकी ज़रूरत आपको है, और वो जो टॉपिक जिसकी ज़रूरत बाद में हो तो बाद में ले लेंगे. तो जब आप टेक्स्ट बुक को ये लेक्चर देखो तो आप दो काम करो, आप टेक्स्ट बुक को लेके बैठो और अपना नोट्स बनाओ,
ये टॉपिक से अपना नोट्स बनाओ तो आपका टॉपिक जो है ना पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो नोट्स बनाना बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है? तो बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये कहता है कि लाइट जो है, लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। लाइट जो है वो अपने डायरेक्शन में चेंजेस लाता है, डायरेक्शन में बदलाव लाता है जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करता है। इसी फिनोमिना को, बराबर इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या हो गया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये हो गया कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करेगा तो क्या करेगा? अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो अ लाइट कैन नॉट एंटर वन ट्रांसपेरेंट मीडियम फ्रॉम अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ लाइट। एक रूल, एक लॉ समझ के रख लो इस बात को, बराबर। तो लाइट को अगर सपोज अब ट्रांसपेरेंट मीडियम अपन बोल रहे हैं, सब है क्या ट्रांसपेरेंट मीडियम? तो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है? ग्लास, बराबर। एक ग्लास मिरर नहीं, आपका जो आईना है घर का वो नहीं, ग्लास, बराबर। जो विंडोज में होते हैं ना ग्लास, वो ग्लास जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। एयर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बराबर। और क्या है ट्रांसपेरेंट मीडियम? वाटर।